13 अगस्त रविवार 2023 को शक्ति क्लब का सावन उत्सव होटल द रेजिडेंसी में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में क्लब की महिलाओं ने रंग बिरंगे लहरिया परिधान में इंद्रधनुषीय छटा बिखेरी। महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत नृत्य गीत और कविताओं ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन शक्ति क्लब की अध्यक्ष नीलम सिंह के द्वारा किया गया। इस वर्ष क्लब द्वारा आयोजित सावन क्वीन प्रतियोगिता, स्वलिखित कविता प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। क्लब के सदस्यों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में क्लब के सदस्य मौजूद रहे, वहीं इस आयोजन की मुख्य अतिथि श्रीमती माला राकेश सिंह जी, विशेष अतिथि श्रीमती श्वेता सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा श्रीमती जूही दत्त, डायरेक्टर स्पोर्ट्स क्लब श्रीमती भारती साहू और अंकिता पांडे रहे। इस कार्यक्रम में शिव गौरी का नृत्य खास आकर्षण का केंद्र रहा। टैलेंट है जो उभर कर आ रहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारा शक्ति क्लब का ये उद्देश्य है कि महिलाओं का टैलेंट कहीं ना कहीं उभर कर आ रहा है। सब लोग अच्छे से तैयार हो गया। हमारी लहरिया परिधान सब लोग ने लहरिया टीम में हम महिलाएं एक साथ मिलकर उनकी सामाजिक जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। सिंह विगत 6 वर्षों से शक्ति क्लब की सदस्य हूँ। शक्ति क्लब जो है हमारा नारी शक्तियों का क्लब है और शक्ति क्लब की अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आर्थिक रूप से महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अभी हाल ही में सफल सावन मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। शक्ति क्लब द्वारा अन्य भी इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे हाल ही में एक कन्या जगत मत कन्या को विवाह में 11,000 की धनराशि और हमारे कुछ क्लब के सदस्यों द्वारा सामान वितरित किया, उनको प्रदान किया गया था। सबको सबके भेंट उसको राशि में प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य अनेक कार्य किए जा रहे हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि शक्ति क्लब से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि शक्ति क्लब के माध्यम से हम यहाँ जुड़कर निरंतर नेक कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा दूसरी नाम है शक्ति क्लब से जुड़ के अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक चैरिटी इसमें की जाती है। और जैसे कि अभी एक दिवसीय प्रोग्राम हुआ था महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, घर से छोटे छोटे कार्य करके उनको प्लेटफॉर्म में अपना एक नाम दिलाने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम हुआ था और सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और अभी आप देख रहे हैं कि ये सावन के तौर पर ये मनाया जा रहा है। सब लहरिया थीम रखे और सब लोग इतने खुश, इतने उत्साहित हैं। मैं भी खुद लहरिया में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं शक्ति क्लब से जुड़ी हूँ। इसमें समय समय पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो महिलाओं के हित में किए जाते हैं, भाई में किए जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे लड़ी हो या किसी का मतलब वैवाहिक मतलब कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, ये सब मतलब इसमें चैरिटी के थ्रू ही किया जाता है। मेरा नाम